कैंग ने अगर तुमसे ये बात नहीं शेयर की तो मुझे लगता है वो बात नहीं शेयर करना चाह रहे होंगे, तभी उन्होंने शेयर नहीं की। या तुम्हें इस बात से मसला है कि वाई डिड ही चेंज हिज रिलीजन? नहीं, फिर क्या बात है? पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। बाबा ने मुझे एथीस बना के वो खुद मुसलमान हो गए, और मुझे इतने सवालों के जवाबों में उलझा के रख दिया है, और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। मेरे दिमाग में बहुत से सवाल उठ रहे हैं, इनके जवाब कौन देगा? क्या सवाल है? जब इंसान के अंदर सवाल होते हैं ना, तो इवेंचुअली उनके जवाब मिल ही जाते हैं। नथिंग इज परमानेंट, एक फेज है, गुजर जाएगा। जस्ट रिलैक्स। जरूरत होगी मैं तुमसे खुद मांगूंगा। particular reason why the name Dawood was chosen? Oh, so actually, I got many questions about this. Actually, when I convert to Islam, when I decide to convert to Islam, I asked people like, do I have to change Arabic name or something? But people said, no, you don't have to change your name. I'm a born Catholic. I'm a born Catholic because my parents gave me a Catholic name. It was David. Just I changed the pronunciation David to Dawood. I will say that I'm sad that you're not a Christian anymore, because I can sense perhaps it's because you felt that Christians weren't doing a good job defending their beliefs. Yeah, I think that God should be feared. I believe that God should be feared. I fear God. It's one of the only things I fear. And I believe that also you see God to a degree where you see religion, how you see yourself. And I see myself as a person of strong principles and strong morals, and I like to think of myself as the kind of person nobody really wants to cross. Not because I'm a psycho, but because I'm a man of capability and I'm smart and I'm strong and nobody wants to make an enemy of me. So I feel like I find an affinity to a belief system which has very similar outlooks. And there's a whole bunch of other things I can say from the Quran and Islamic texts, etc., but to keep it very vague and very broad for people who are not Islamic, I felt God when I was in an Islamic country. Kun faya kun, 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 kun faya kun. Kun faya kun, kun faya kun, kun faya kun, kun faya kun. मैं तो कहती हूँ सेमी, आज तुम अमार से खुल के पूछ ही लो। पूछ लो? क्या पूछ लो? ये ही कि वो नताशा से शादी करेगा भी कि नहीं, और कितना टाइम चाहिए उसे, बस क्लियर करे अब। यार सेमी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ, अब कितनी देर में अम्मार के जवाब के इंतजार में उसे बिठाए रखूंगी? जवाब? उसने सिर्फ टाइम मांगा है, जवाब तो हाँ ही है। ये तो तुम कह रही हो ना, उसका इरादा तो कुछ और ही है। तुम्हें कैसे पता है वो क्या चाहता है? बस मुझे नहीं पता, क्लियर करो ये मामला ताकि मैं भी अपनी जिंदगी में अपनी बेटी को किसी अच्छी जगह ब्याहूं और सुकून से मर सकूं। तब लोग भी कहते हैं कि यार सारी दुनिया के रिश्ते कराती फिरती हो और अपनी बेटी देखो घर में बिठा रखी है। से मेरे बिजनेस पे बुरा असर पड़ा। तुम हंस रही हो यार, देखो ना, मतलब लोग ये कहते हैं कि इतना ही अच्छा रिश्ता तो अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करा लेती? अच्छा, समझ गई हूँ मैं। मैं तुम्हारे बिजनेस पे आंच नहीं आने दूंगी, आई प्रॉमिस। मैं आज ही कुछ करती हूँ। अरे लो। अच्छा ये फ्रूट को छोड़ो, मैंने तो तुम्हारे लिए काबली पुलाव बनाया है, आओ वो खाते हैं, चलो चलो। अरे काबली पुलाव क्या, साथ में खुशी की मिठाई मंगाओ तब बात बनेगी। अरे वो भी है, तुम क्यों फिक्र करती हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बैठो, वेरी नाइस। ये तुमने सेट किया है?
नहीं जी अनिक। हाँ मुझे अंदाजा हो गया था। डैड मैं सोच रहा था कि अब आपकी तबीयत भी ठीक हो गई है और ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया आपने, तो मैं अपने स्टार्टअप की तरफ तवज्जो देना चाह रहा था। हाँ तो करो, जरूर करो, किसने मना किया? इसीलिए मैं सोचा था कि देखो बस ये देख लेना कि ये सारे काम मैनेज कैसे करोगे बेटा, क्योंकि यहाँ भी सब लोग तुम पर डिपेंडेंट हैं। डैड इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक चीज़ पे फोकस करना है, अपने बिजनेस पे। जानते हो आज कुछ लोगों ने तुम्हारी तारीफ की, दोस्तों ने, ऑफिस वालों ने, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ, स्पेशली मेरे मुखालफिन ने, सुन के बहुत अच्छा लगा बेटा। लेकिन अपना बिजनेस भी तो स्टार्ट करना है ना, तो करो ना बेटा, ये भी तो तुम्हारा अपना है और मेरे जाने के बाद तुम्हीं ने तो ये सब संभालना है। कैसी बातें करें डैड, कुछ भी कह लिया करें लेकिन ये वाली बात तो मत किया करें। बेटा ये हकीकत है, एक ना एक दिन तो सबने जाना ही होता है। हाँ प्लीज, लेकिन कोई और बात कर लें। चलो मैं तुम्हारे स्टार्टअप की बात करता हूँ। देखो बेटा मुझे तुमसे बेइंतहा प्यार है, आई लव यू मोर देन एनीथिंग। तुम जो करोगे, जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगा, बस ये बात ध्यान में रखा करो। चाय तो पिलाओ, तुम्हारे ऑफिस में आया बेटा। हाँ श्योर। एक कप अच्छी सी चाय और कॉफी। And China's response to this, I would say, is pretty... जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ, तो उनको चाहिए या वो बेहतर है जो मुस्तरिब की फरियाद सुनता है जब वो उसे पुकारता है और उसकी तकलीफ दूर करता है। आप क्या चाहते हैं? कि आपके बंदे आपकी सच्चाई को जान ले, आपका कहा मान ले? यही कहा है ना आपने अपनी किताब में? फोन क्यों नहीं उठा रहे, बिजी जा रहे? क्या हुआ, किसको कॉल कर रही हैं? बाबा को? फोन भी बंद जा रहा है। मामा वो मीटिंग में होंगे ना, क्या हो गया, परेशान क्यों कर रही हैं आप उन्हें? हाँ क्योंकि सिर्फ तुम लोग परेशान हो सकते हो ना, मैं तो परेशान हो ही नहीं सकती। मेरी परेशानी तो परेशानी ही नहीं है। मामा प्लीज, खाला की तरह बात करना बंद कर दें, आप पे सूट नहीं करता है। तुम्हारी खाला में क्या मसला है? वो मेरी सगी बहन है, मैं क्यों नहीं हो सकती उसकी तरह? कम ऑन मामा, मैं तो आपको इसलिए बोल रही थी क्योंकि आप खाला से ज्यादा प्यारी है ना, तो आप पे परेशानी ऐसे सूट नहीं करती है। बताए क्या हुआ है? तुम्हारे पापा और भाई आज घर आएंगे ना, तो मैं सीधा सीधा पूछूंगी हम कब जा रहे हैं सामा की तरफ नताशा का रिश्ता लेने। मामा डोंट यू थिंक इट्स टू अर्ली? क्यों, किस चीज का इंतजार करें? सवाल तो ये है कि क्यों इंतजार करें और वो कौन सा मैच्योरिटी लेवल है जिसका इंतजार हो रहा है? मामा इट्स जस्ट कि हाई इज नॉट इंटरेस्टेड इन हर। क्यों, क्या बुराई है नताशा में? कोई बुराई नहीं है मामा, शी इज अ परफेक्ट कजिन। शायद वो उनको
अपने फ्यूचर पार्टनर के तौर पे नहीं देख पा रहे हो, यू नो, कुड बी मेनी थिंग्स। बस अब चुप कर जाओ, मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं और सुनूंगी। और अगर तुमने अपने भाई के सामने ऐसी कोई भी बात की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? मामा, अगर मुसीबत में लोग आपको बुलाए तो आप सुनते हैं ना, तो मेरी भी सुने। आप मुझे देख सकते हैं ना, सुन सकते हैं ना, मेरी मुश्किल हल कर दे। मैं आपकी तरफ बढ़ रही हूँ। आप कहते हैं ना कि कोई आपकी तरफ एक कदम बढ़े तो आप उनकी तरफ 10 कदम बढ़ेंगे। अब आपकी तरफ मैं तभी बढ़ूंगी जब आप चाहेंगे मुझे अपनी तरफ मोड़ ले, अगर आप चाहते तो। अमार, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? ये देखो ना, ये डायग्राम है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैंने सही किया, मुझे कुछ गलती लिख रही है। मायरा, इंजीनियरिंग तुम कर रही हो या मैं कर रहा हूँ? लेकिन काम तो तुम भी यही कर रहे हो ना। मेरे जख्मों पे ना नमक मत छिड़को। यार नाराज ना हो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मायरा, आई एम नॉट इन अ मूड राइट नाउ, प्लीज इरिटेट मत करो, मैं लेट हो रहा हूँ ऑलरेडी। तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे अपने ऑफिस नहीं जा रहे हो, किसी के पास जॉब पे जा रहे हो। 12 घंटे रहता हूँ वहाँ पे, जॉब ही है। दिखाओ क्या मसला है। रात को बता देती ना, क्योंकि टाइम है। रात में टाइम ही नहीं था मेरे पास। अच्छा ये वाली इक्वेशन देखो, मुझे लग रहा है मैंने ये गलत की है। इधर क्या पढ़ रही हो तुम? फॉर्मूला ही गलत है। मारते क्यों हो तुम मुझे? जिया, क्या हुआ, आज तुम लेट हो गई? हमारे सर भी पूछ रहे थे तुम्हारा, आई थिंक किसी मीटिंग पे जाना था। जाना तो था, लेकिन ऑफिस आज टाइम पे पहुंचने की मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? VIP प्रोटोकॉल्स की वजह से जगह जगह पे रोड ब्लॉक्स है। ये तो यहाँ की रूटीन है। खैर तुम जाओ हमारे साहब के ऑफिस और कुछ पॉइंट डिस्कस कर लो, मीटिंग के हवाले से तुम्हारे काम आएंगे। प्लीज किसी को कह के मेरे लिए गर्म कॉफी भिजवा दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। ओके। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? कल से तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आ जाओ ना मेरे साथ खाना खाओ, और अब मेरी प्यारी बेटी को भी साथ लेके आना। नहीं, मैं नहीं आ सकती सीमी, और वो भी नहीं आई। क्यों, क्या बात हुई? नाराज है शायद। और वो भी क्यों ना, अम्मार ने कोई कसर तो नहीं उठा रखी ना उसका दिल दुखाने में? और तुम पे तो बड़ा भरोसा था मुझे सीमी, कुछ भी नहीं कर सकी ना तुम भी। ऐसा नहीं बोलो, मैं सब ठीक कर दूंगी ना। तुम आज से सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, मैं अपने तरीके से करूंगी, लेकिन होगा वही जो तुम चाहोगी। सीमी, तुम्हारे दिलासे आसरे को पहली बार थोड़ी है। अच्छा सोचा करो, अच्छा बोला करो, तो अच्छा ही होगा ना। अल्लाह वही देता है जिसका बंदा गुमान करता है। छोड़ो यार, मैं तो बहुत मायूस हो चुकी हूँ सीमी। ऐसी मायूसी की बातें कुफर है। और मायूसी किस बात की? नताशा की वजह से परेशान, ना कुछ खा रही है, ना पी रही है, ना बात कर रही है ढंग से, चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती है। मैं आके खुद उससे बात करती हूँ, तुम परेशान मत हो। रहने दो, तुम्हें कब वक्त मिलेगा, तुम कब आओगी, कब उससे बात करोगी? अरे भाई मैं अभी के अभी आ रही हूँ, तुम बिना वजह परेशान होती हो, पागल कहीं की। फोन रखो। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज। रजिया, ड्राइवर्स को गाड़ी निकाले। वैसे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, अच्छा है तुमने ही संभाल लिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे मजहब में खुश इखलाकी पे बहुत जोर दिया जाता है ना? ये तुम हर बात में रिलीजन को बीच में क्यों ले आती हो? By the way, I am not that religious.
हाँ मजहब के कॉलम में इस्लाम जरूर लिखा है लेकिन दैट्स इट। मुझे भी तुम्हारे बारे में यही लगता है। बाय द वे डू यू बिलीव इन गॉड? ऑब्वियसली इतना मुसलमान तो हूँ मैं। क्या कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाना काफ़ी है या फिर उस पर बिलीव करना भी ज़रूरी है? अब ये सवाल तुम गलत बंदे से पूछ रही हो। मैंने जवाब दिया ना तो डिसअपॉइंट होगी तुम, इसलिए जस्ट लीव दिस टॉपिक। खैर ये फाइल, मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए उस बंदे के साथ, अब तुमने मीटिंग करनी है। ये भी सही है, सारे मिशन इम्पॉसिबल तुम मुझे दे दो। सुनो गुड लक फॉर मीटिंग, फॉर एवरीथिंग। मामा ने मुझे तुम्हें बाहर लाने का कहा था ताकि तुम महारा दिल बहल जाए, तुम मेरा ही दिल बहला रही हो। तुम मेरी छोटी बहन जो, इसलिए पता है बचपन में भी ना मुझे चॉकलेट और टॉयज से ज्यादा बुक शॉपिंग फैसिनेट करती थी। हाँ तो इसलिए तो इसके बाद प्लान है बुक स्टोर जाने का। तुम अपनी सारी फेवरेट बुक सेलेक्ट कर लेना, मैं भी तब तक कुछ शॉपिंग कर लूंगी। डन, आई एम सो हैप्पी वी आर डूइंग दिस टुडे। इतने दिनों बाद हम बाहर निकले हैं साथ में, दिस वाज लॉन्ग ओवरड्यू। अच्छा होता अगर अमार भी साथ आ जाता। वैसे कभी बात तो की होगी उसने मेरे बारे में, क्या कहता है वो मेरे बारे में? You know, Amar is a different person. He's not that simple. He's very hard. And you know, he's very careful about who he lets in. So, you know, नहीं बात करता वो इतने दूसरों के बारे में। हाँ वो तो मैं समझ गई हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा ज्यादा बिजी रहने लगे है ना, इसलिए हमारी बात नहीं हो पाती। हाँ वो जिया के साथ। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, जस्ट बिजनेस की वजह से जिया के साथ बिजी होता है, काम की वजह से मामा से भी उसकी बात नहीं हो पाती। सीमी बरसों पहले भी तुम्हारा यही हाल था और आज भी वही ना, तब तुम मेरे शौहर के लिए अपने शौहर के सामने स्टैंड ले सकी और ना आज तुम अपने बेटे के सामने मेरी बेटी के लिए बात कर सकती। खैर तुम्हारी सुनता भी कौन ही है, ना तब तुमने अपने शौहर को कन्विंस किया और ना आज अपने बेटे को। फिर तुम कहती हो कि तुम्हें मुझसे और नताशा से बहुत प्यार है, क्या करूं मैं ऐसे लाचार और मजबूर प्यार को? साइमा, जहांगीर एक बहुत लॉयल और काइंड हार्टेड बिजनेसमैन है, उन्होंने मेरे कहने पे वहीद भाई को अपने बिजनेस में फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड बनाया और वहीद भाई ने उसका क्या सलाह दिया, उनके बिजनेस में फ्रॉड किया। सो प्लीज इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। रही बात नताशा की, मैंने तुमसे वादा किया है और मैं उस वादे को निभाऊंगी। नताशा और अमार की बचपन में बात पक्की हो गई थी, मैं अभी भी उसी पे कायम हूं। मैं नताशा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम देना होगा, वही होगा जो तुम चाहोगी। क्या कर रही हो? काम करने की कोशिश। एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। बताओ। मैं अपने स्टार्टअप को लेकर एक फर्स्ट स्टेप लेना चाह रहा हूँ। वाओ, That's really a good idea. अच्छा बताओ फ्री कब तक होगी? थोड़ा सा काम है, फ्री हो जाऊंगी। तुम बताओ अपना काम। मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ मीटिंग पे चलना है, तो मैं चाह रहा हूँ तुम मेरे साथ चलो। तो चले जाते हैं, कब जाना है? शाम में। अभी तो कुछ इनिशियल स्टेप डिस्कस करने हैं, लेकिन ग्रेजुअली हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इट्स ऑल राइट। अच्छा एक बात और, प्लीज डैड को इस बारे में कुछ मत बताना, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया इस बारे में। डोंट वरी। थैंक यू। चलो तुम चीजें वाइंड अप कर लो फिर बताना, ठीक है? ओके। मैं वेट कर रहा हूं।
आपने अमार से बात की? क्या बात? शादी के बारे में, नताशा के हवाले से। मैं मजाक नहीं कर रही, अब आप भी इस बात को सीरियसली लेना शुरू कर दें। नताशा भी काफी सीरियस है अमार के बारे में। ऐसे थोड़ी होता है सिमी, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है, इतनी जल्दी में फैसला नहीं लेगी। क्यों? समझदार और पढ़े लिखे लोग शादी नहीं करते? ओ भाई करते हैं, क्यों नहीं करते, मैंने ये कब कहा है, लेकिन सोच समझ कर करते हैं, इतना जज्बाती होकर फैसला नहीं करते। देखिए मुझे लग रहा है हमें ये फौरन बात तय कर लेनी चाहिए। गॉड सेक सिमी, इतनी जल्दी किस बात की है? आप बात करेंगे हमारे से या मैं करूं? हाँ तुम कर लो, ज्यादा अच्छी बात है, मुझसे पूछ क्यों रहे हो? बल्कि अगर वो हाँ करता है तो बिस्मिल्ला कर देते हैं। ठीक है। आपका आइडिया तो काफ़ी अच्छा है अमार साहब, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप अपने डैड के बिज़नेस के साथ साथ अपने बिज़नेस को कैसे टाइम देंगे। आई मीन ये काफ़ी वास्ट फील्ड है और आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा इसमें। डोंट वरी, आई कैन हैंडल दिस इजीली, आई जस्ट नीड योर सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन। श्योरली सपोर्ट तो आपके साथ ही होगी, लेकिन मुझे ये श्योरिटी भी चाहिए कि मेरी इन्वेस्टमेंट इसमें डूबे नहीं। मतलब? मतलब ये अमार साहब, ये बहुत खपने वाला काम है, इसमें आपको फुल टाइम देना पड़ेगा। अगर तो आप इस बात से मुत्तफिक हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मेरी इन्वेस्टमेंट और मेरा फुल सपोर्ट आपके साथ है, और मैं काफ़ी सन्नतों के ट्रांसपोर्टर्स को जानता हूँ और उनसे मुलाकात भी करवा सकता हूँ आपकी, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये एक बंदे का काम नहीं है। Yes, you are right. We totally agree with that. ये अच्छा है कि आपने मेरी बात समझने की कोशिश की है। तो मैं बता रहा था कि मैं इस हवाले से ग्राउंड इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी खासी आपको दे सकता हूँ। But Amar sahab, you really need to be committed. Obviously, काम के लिए हम वक्त भी निकालेंगे, उस पे पूरी तवज्जो भी देंगे, ये हमें पता है। मैडम यही तो मसला है मेरा Amar sahab के साथ, कि Amar sahab अपने वालिद साहब के साथ अपना बिजनेस हैंडल नहीं कर सकते। मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि वो मेरा मसला है, I can easily manage. नहीं Amar, आई थिंक हमें इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और फिर हम आपसे नेक्स्ट वीक मीटिंग रख लेते। ठीक है Amar sahab, आई टोटली एग्री, थैंक यू सो मच, आई विल वेट फॉर यू। ओके थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। टाइम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम नताशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक। आपने Amar को बताया कि मैं आई हुई हूँ? वो तो ऑफिस नहीं है। ऑफिस नहीं है तो फिर कहाँ पे है? मेरे ख्याल में वो जिया के साथ किसी मीटिंग में है, मैं अभी आपको फोन करके बताता हूँ। जिया से वो डील अच्छी थी, तुम्हें साइन कर लेना चाहिए था फौरन। जल्दबाजी ना करो, आई थिंक उसका पॉइंट भी वैलिड था। पहले तुम ये फिगर आउट करो कि इस टाइम को कैसे स्पेयर आउट करना है तुमने, फिर एक नई बिजनेस की बुनियाद रखो। जस्ट अ सेकंड। हेलो, कहाँ हो तुम? ये कैसे सवाल है? मैं तुम्हारे ऑफिस में आकर बैठी हूँ। हाँ तो बैठो, अच्छी सी कॉफी मंगवाओ या चाय मंगवा लो, हम लोग आ रहे हैं। हम? मैं और जिया, हम बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, तुम रुक जाओ। नो क्या हो गया, हम लोग आ रहे हैं बस, तुम जिया से भी मिल लेना, जिया अक्सर पूछती रहती है तुम्हारा, तो अच्छा है ना, तुम मिल लो उससे। I'm leaving. क्या हुआ? शायद लाइन ड्रॉप हो गई, बैठो। हेलो, तुम चली भी गई? मैं अभी अभी आया हूँ, बोर हो रही थी। तो अब क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो अब बोर नहीं हो रही? देखो नताशा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, मैं तुमसे कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल,
I'm not answerable to anyone, including you. I hope you will respect my private life. मुझे पूरा हक है कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारूं. I hope you will understand this. आओ बेटा. डैड आपसे कुछ बात करना चाह रहा था. बैठो. डैड इतने दिन से हमारी बात भी कोई नहीं हुई. मैं आपसे बात करना चाह रहा था लेकिन ऑफिस की वजह से आपके पास भी टाइम नहीं है. हाँ बोलो बेटा. बिजनेस के बारे से कुछ डिस्कस करना चाह रहा था आपसे. कुछ आपकी गाइडेंस चाहिए कुछ स्टार्ट करने के मामले. और एक मेरी मीटिंग भी हुई है कल तो. नॉट नो बेटा मार. मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल. आई मीन ऑलरेडी बहुत लो फील कर रहा हूँ. क्या हुआ आपको? खैरियत? नहीं वैसे कोई सेहत का प्रॉब्लम नहीं है बेटा. बस ज़हनी दबाव में हूँ. आपको मना भी किया था ना डैड के ऑफिस ना ज्वाइन करें. आपको पता है डॉक्टर ने क्या कहा था आपको कि नहीं जाना ऑफिस आपने. आप फिर भी. नहीं कहा ना बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है सेहत के बारे में. बस जहाँ तक ऑफिस की बात है तुमने और जिया ने बड़े अच्छे तरीके से संभाल लिया. वहाँ से तो मैं मुतमईन हूँ. तो फिर क्या टेंशन है? अच्छा लेते नंबर. तुम जो भी बिजनेस लेना चाहते हो करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा. इस बात को अपने जहन में बिठा लो. मुझे तुम्हारी खुशी सबसे बढ़कर अजीज है. थैंक यू. चलें आप रेस्ट करें. मैं चलता हूँ. First of all, I'm not answerable to anyone, including you. I hope you will respect my private life. मुझे पूरा हक है कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारूं. ताशा, क्या हुआ मेरा बच्चा? मामा से भी नाराज हो? मत परेशान हो बेटा. ये फैंक और फैंक की औलाद हर बार हमारी जिंदगी के साथ खेल के नहीं जा सकते. अब ये जिद तुम्हारी नहीं मेरी जिद है. आप भी वही करेंगी ना? ये रिश्ते हैं आपके पास. मेरी भी किसी से शादी करा दें फिर मेरी उमर से शादी नहीं होगी. नहीं मेरी जान, पहले की बात और थी अब और है. तुम्हें अमार चाहिए ना? तुम्हें अमार मिलेगा. अमार सिर्फ तुम्हारा है मेरा बच्चा. तुम्हारा वो मान जाएगा? हाँ मानेगा. मैं मनवाऊंगी उसे. बिल्कुल परेशान मत हो मेरी जान. मेरी गारंटी है वो मानेगा. ठीक है? नहीं बिल्कुल परेशान नहीं होना बेटा. तो बहुत बहादुर बच्ची हो. अमार तुम्ही से शादी करेगा बेटा. देखो मैं करती क्या उनके साथ. मार तुम्हारा है. तुम्ही से शादी. Just don't worry, sweetheart. वो तुम्हारा है. आजकल तू ज्यादा देर नहीं बाहर रहने लग गया. आंटी अंकल कुछ नहीं कहते? ज्यादा देर कहाँ हुई है, 11 ही तो बजे हैं. पूरा शहर जाग रहा होता है इस टाइम पे. ओ भाई अभी तुझे कॉल आना शुरू हो जाएंगी और अगर तू नहीं उठाएगा तो मुझे ठग से कॉल आ जाएगी. आता क्या उन लोगों को, हर वक्त प्रेशर डालते रहते हैं. उधर से नताशा की मॉम वो नाराज होती रहती है,
मेरी मॉम मेरे डैड पे प्रेशर डालती रहती है कि मुझे शादी के लिए मनाओ। मुझे तो समझ नहीं आती मैं करूँ तो क्या करूँ। वैसे तुझे अभी तक नताशा के साथ शादी वाली फीलिंग्स नहीं आई? नहीं यार, नताशा समझ नहीं आती है मुझे, बहुत मूड स्विंग्स है उसके, मैं मैनेज नहीं कर सकता उसके साथ। यार वैसे वो ऑफिस में भी हर वक्त आके बैठी रहती है। खैर जितने उसके मूड स्विंग्स हैं इस बात पे मैं उसके साथ कॉल कर रही हूँ। जी मॉम। अमार बेटा कहाँ हो तुम, सारा वक्त अब काम ही कर रहे होते हो, अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? तो मैंने आपसे कब कहा कि मैं काम कर रहा हूँ, बाहर हूँ दोस्तों के साथ। इंसान दुनिया में काम के लिए नहीं आता, और भी काम होते हैं मॉम। मुझे लगता है तुम्हारा मूड नहीं सही, घर आओ फिर बात होती है। क्या हुआ? घर चलता हूँ यार, फिर मिलते हैं। अच्छा हुआ ये पार्क मिस्टर फेंग के नाम से मंसूब कर दिया गया, लेकिन हैरत इस बात की है कि जो काम इतने अरसे से लटका हुआ था अचानक कैसे हो गया? उम्मीद तो नहीं थी, मुझे तो लगता है ये सिर्फ आपकी दुआओं का नतीजा है। आप ऐसा करें पार्क में घूमें, मैं आपसे फिर मिलता हूँ। लगता है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए, लेकिन अब ये ना समझ लेना मैं कोई पहुंचा हुआ बाबा हूं जो दिलों के हाल जान लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके दिल का हाल आपके चेहरे का इत्मीनान बता। तो इसलिए आपने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया था ताकि चीजों को मैं खुद समझू और अपनी आंखों से देखूं। जब रहनुमाई बराए रास्त अल्लाह पाक की जात कर रही हो, वहां इंसानों का क्या काम है? मुझे लगता है कि मैं किसी फैसले के बहुत करीब पहुंची हूँ, सब प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व होते जा रहे हैं। मुझे लगता है मैं धुंध के उस पार थोड़ा थोड़ा देखना शुरू हो गई हूँ, जिसे रास्ता कोई खुल गया है उस तरह महसूस हो रहा है। फिक्र ना करें, कुछ दिनों में तस्वीर बिल्कुल वाज़ह हो जाएगी। खुशकिस्मत थे फैंग और आप उनसे भी ज्यादा। कैसे? उन्हें इस्लाम की अजीम नेमत मिली और शहादत की मौत। आप उनसे भी ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि आपको इस्लाम की अजीम नेमत के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिल रहा है। ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। जब वक्त होता है तो समझ नहीं होती, जब समझ आता है तो वक्त नहीं रहता। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ये दोनों नेमतें एक साथ अता फरमाते हैं। यू वेरी लकी। Wow, Rahil, this is such a beautiful and very peaceful place. तुम्हें अच्छा लगा? Yes, बहुत अच्छा है। तुम्हें पता जियो, ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है।
और मैं अक्सर यहाँ पे अकेला आता हूँ। जब आता हूँ तो काफ़ी देर तक बैठा रहता हूँ। कुदरत के इन हसीन नज़ारों को देखकर हैरान हो जाता हूँ कि कैसे इस पूरे निज़ाम को अल्लाह अकेले चला रहा है। कैसे वो दिन के उजालों को रात की तारीखी में डाल देता है और फिर इसी तारीखी को दिन के उजालों में वापस बदल देता है। कभी हवा का चलना महसूस किया? कभी महसूस किया इसके ताज़ा झोंकों को, दरख्त की टहनियों को खुशी से झूमते देखा है कभी? जैसे वो झूम झूम कर अल्लाह की हमदो सना बयान कर रहे हैं। आसमानों पे बादलों का चलना, बारिश का बरसना, परिंदों का चहचहाना, फूलों का खिलना, कभी महसूस किया जिया? कौन कर रहा है ये सब? महसूस करके देखो जिया, दिल से महसूस करके देखो, फिर देखो तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। लगता है जी बात पसंद आ गई है, तभी हम कलाम होने बुलाया। मैं आता हूँ। आसमानों पे बादलों का चलना, बारिश का बरसना, परिंदों का चहचहाना, फूलों का खिलना, कौन कर रहा है ये सब? दिल से महसूस करके देखो, फिर देखो तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।